7 अप्रैल 2020 को न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू से खबर आई थी कि नडिया नाम का एक टाइगर कोरोना वायरस से जूझ रहा है। सिर्फ नडिया ही नहीं बल्कि 3 टाइगर और 2 अफ्रीकन लायंस में भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड होने के सिम्टम्स देखे गए हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इन जानवरों तक ये वायरस उनके केयरटेकर के थ्रू पहुंचा था। आपको बता दूं कि ये इसके बाद कुछ डोमेस्टिक डॉग्स और कैट्स में भी कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है, बट ऐसा सिर्फ तभी देखा गया है जब कोई जानवर काफी समय तक कोरोना से इन्फेक्टेड इंसान के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहा है। हालांकि कुछ जानवर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मिले हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मोस्टली एनिमल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति ने तो जैसे इंसानों को 4 दीवारों में कैद करके जानवरों को आजाद कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान हर दिन 20 करोड़ जानवरों को सिर्फ खाने के लिए मार डालते हैं, और अगर हम इनमें पानी में रहने वाले एनिमल्स को भी शामिल कर ले तो हम हर दिन सिर्फ खाने और अपनी दूसरी नीड्स के लिए 300 करोड़ एनिमल्स को मार डालते हैं। हमारी अलग अलग एक्टिविटीज के कारण जो पोल्यूशन होता है और जो एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होते हैं, अगर हम हर चीज से होने वाली मृत्यु को शामिल करें तो यू मे नॉट बिलीव बट हम हर साल 1.5 से 2 लाख करोड़ जीवों की हत्या कर देते हैं, जो नंबर्स में कुछ ऐसा दिखता है। 2010 में आई यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार आज हम हर दिन 200 से 400 एनिमल स्पीसीज को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। इस तरह हम हर साल धरती की 0.1 बायोडायवर्सिटी को नष्ट कर देते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 65 करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स का अंत हुआ था, उस समय भी धरती पर स्पीसीज के विलुप्ति का रेट इससे काफी स्लो था, बट आज ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और आगे आने वाले सालों में और भी तेजी से इंक्रीज होगा। लेकिन आज अचानक एक ही झटके में सब कुछ किस तरह से रुक गया। जब हम इंसान प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति अपनी रक्षा खुद ही कर लेती है। आज हम इंसान घरों के अंदर बंद है और जैसे मानो ये पूरी दुनिया जानवरों के नाम लिख दी गई हो। तो अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये नजारा है थाईलैंड के लोपबुरी शहर का। आज जिन सड़कों पर आप मंकीज के एक बहुत बड़े झुंड को देख रहे हो, कल तक उन पर इंसानों का कब्जा हुआ करता था। यहाँ हजारों की संख्या में कार्स और बाइक्स चलती थी और टूरिस्ट की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज तो जैसे इस बंदरों ने इस जगह को जंगल के अंदर का ही हिस्सा घोषित कर लिया हो। वैसे आपको बता दूं कि इन मंकीज का इस तरह से शहरों में आना सिर्फ लॉकडाउन के कारण नहीं, बल्कि इसका रियल कारण है उनकी भूख। इंसानों के लॉकडाउन में होने के कारण जानवरों को भी खाना नहीं मिल रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर अचानक से केला गिरता है और सारे बंदर उस केले के ऊपर टूट पड़ते हैं। वैसे दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान कुछ बेहद ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग फोटोज भी वायरल हो रही है। जरा इसे देखिए। ये नजारा है राजस्थान के एक सरकारी स्कूल का, जहाँ पर बहुत सारे पीकॉक्स बैठी हुई है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक दूसरे से काफी दूर बैठी है, मानो जैसे ये हम इंसानों को मैसेज दे रही है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि लॉकडाउन के कारण पोल्यूशन का लेवल किस तरह से घटा है। सिर्फ यही नहीं, जंगल भी हमारे एब्सेंस में बचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो धरती टाइम ट्रेवल करके करोड़ों साल पीछे आ गई है, जब धरती पर सिर्फ जानवर थे और इनके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई और नहीं था। हाल ही में खबरें आई थी कि इटली के वाटरवेज में डॉल्फिन्स, स्वान्स और सी बर्ड देखी गई है। ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि शायद वहाँ जहाज और बोट्स को चलाने वाले ड्राइवर्स का ये एक्वाटिक एनिमल्स इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड जानवर भी सड़कों पर और रेसिडेंशियल एरियाज के आसपास देखे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए जरा इन सी लायंस को देखिए। अर्जेंटीना के कैपिटल के पास मार्डेल प्लाटा हार्बर की सड़कों में और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स पर भी सी लायंस को देखा गया है, जो कि काफी रेयर बात है। ऐसा ही एक इंसिडेंस देखने को मिला था केरला की सड़कों पर, जब एक मालाबार सिवेट को रोड पर फ्रीली घूमते और जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए देखा गया था। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग सिवेट के बारे में नहीं जानते होंगे। सिवेट एक बिल्ली की तरह दिखने वाला मैमल्स होता है, जो काफी ज्यादा रेयर स्पीसीज है और ये सिर्फ रात में ही खाने की तलाश में निकलते हैं। दुनिया भर से ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों वीडियोस आ रही है जहां एनिमल्स बिना किसी डर के शहरों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि एनिमल्स भी हमारे एब्सेंस को मिस कर रहे होंगे, और शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर सारे इंसान अचानक से कहां गायब हो गए। खासकर कुत्ते बिल्ली जैसे घरेलू जीव जो हम इंसानों के साथ शहरों में ही रहता है और जो रोजाना हमें देखते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एनिमल्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो क्या हमें जानवरों से भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की जरूरत है? वेल, इसका आंसर है यस। फिलहाल सारी दुनिया कोरोना की वैक्सीन खोजने में बिजी है और एनिमल्स में कोरोना वायरस से होने वाले इफेक्ट्स पर रिसर्च करना तभी पॉसिबल होगा
जब कंडीशंस इंसानों के लिए बेटर होने लगेगी। वीडियो के आखिर में आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन के समय आप अपने आसपास के जानवरों के लिए भी कुछ करें, जिससे उनका पेट भी भरता रहे और हमारी एब्सेंस या गैर मौजूदगी उन पर भारी ना पड़े, क्योंकि इस धरती पर अच्छे से रहने का अधिकार जितना हम इंसानों का है उतना ही इन जानवरों का भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।